वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम बात करेंगे एग्रीगेट का जो है गेट किस प्रकार से वर्क करता है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसा कि अभी ये एग्रीगेट का गेट है, इसमें बैक साइड में स्प्रिंग लगती है, कई सारी पत्ती जैसा जो है ये इसको स्प्रिंग कहते हैं, और ये रबड़ की सीट लगती है जो कि इस स्प्रिंग को कटने से बचाती है और ग्रिप सही रहता है। और ये गेट इससे ज़्यादा क्लोज ना हो, इसके लिए ये लॉक दिया हुआ है, और इससे ज़्यादा ओपन ना हो, यहाँ पे भी लॉक दिया हुआ है। और ये एक साइड में एक प्लेट दिया हुआ है जो कि जो ये गेट का जो गैप है इसको मेंटेन करने के लिए, कि यहाँ पे गैप ज़्यादा बड़ा होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कभी या तो गेट ओपन के लिए फंस गया या तो क्लोज के लिए। और ये होल एडजस्टेबल होता है, एक बोल्ट गिर गया है, बाकी ये इसको लूज करके और इधर के बोल्ट लूज करके इस प्लेट को एडजस्ट करके यहाँ की गैप को एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन ये जो पुराने टाइप के प्लांट हैं जो उसमें गेट हैं उसमें ये प्लेट नहीं होती है, वो डायरेक्ट जो ये बॉडी है वही यहाँ तक होती है, और ये घिसने के बाद ये काफ़ी प्रॉब्लम आने लगता है कि यहाँ पे 20 mm फंस गया, 10 mm फंस गया और कोई ऐसा पत्थर आ गया, तो उसकी वजह से गेट क्या है या तो ओपन ही रह जाता है या ओपन ही नहीं होता है। तो ऐसे में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मटेरियल ओवर हो जाता है या इसकी ऊपर चला गया तो यहाँ पे मटेरियल की ढेरी लग जाती है। तो इसका यही है कि यहाँ का जो गैप है इसको हमें मेंटेन करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो और जो इसमें ये 2.5 का बैचिंग प्लांट है तो इसमें दो टाइप के गेट हैं, इस टाइप के दो गेट हैं और यह स्पेशल सैंड के लिए दिया हुआ है, और एक ये गेट दिया हुआ फाइन मटेरियल के लिए। तो फाइन मटेरियल के लिए सही इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पूरा प्लेट ओपन होगा तो ये गिरने लगेगा, इसलिए इसमें स्प्रिंग नहीं दिया हुआ है, ये प्लेट दिया हुआ है कि ये बराबर रहेगा और जो कि फाइन मटेरियल नहीं गिरेगा। और ये गेट लंबा होने की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रहा था बार बार, तो ये जो एंगल लगा है, जो ये प्लेट लगी है, इसको बाद में मॉडिफाई किए हैं हम लोग, क्योंकि ये कंपनी के तरफ से लग के नहीं आया है। और इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जैसे बीच में कोई सैंड में 40 mm का आसपास पत्थर आ गया और यहाँ गेट पे फंस गया या इधर फंस गया, तो क्या होता था, 40 mm की स्पेस होने के बाद सैंड गिरने लगती थी और ये प्लेट जो है 6 mm के या 4 mm के आसपास है, 4 mm के आसपास है, तो ये बैंड होने की वजह से ये बार बार प्रॉब्लम होता था। तो अभी इसके लगाने के बाद से ये प्रॉब्लम सॉल्व है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस सैंड का गेट बड़ा होने की वजह से इसमें डबल सिलेंडर यूज किया जाता है, और डबल सिलेंडर होने की वजह से इसके लिए सोल लाइट वाल्व यहाँ पे स्पेशल इसी के लिए दिया हुआ है, ओनली सैंड के गेट के लिए। तो इस प्रकार से गेट का है। और जो ये एडजस्टेबल पत्ती होती है ये फाइन वाले गेट में भी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइन के भी गेट में है। अभी जैसे यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा हुआ है तो थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो जब तक गेट प्रॉब्लम ज़्यादा करने लगे तो इसको एडजस्ट कर लीजिए, और एडजस्टेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हमें इस गेट का जो प्लेट है, मेन प्लेट जिसके थ्रू डायरेक्ट है वो, उसको हमको वेल्डिंग के माध्यम से हम उसको सही कर सकते हैं और उसको किया जा सकता है। दूसरी प्लेट लगेगी, लेकिन राउंड इसका जो राउंड शेप होता है गेट का वो सही से कटना चाहिए, सही से बनना चाहिए, और बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। और गेट में एक दिक्कत ये भी आती है, अभी जैसे मान लीजिए इस गेट में पत्ती लगी है और इस गेट में नहीं लगी, तो इसमें भी पत्ती थी, ये जो बोल्ट अंदर साइड से लगते हैं यहाँ पे कसे जाते हैं, तो इसका क्या है, वो अंदर साइड से घिस जाते हैं, कभी घिसने की वजह से ये टूट के और एग्रीगेट के साथ चले जाते हैं कभी। अभी स्प्रिंग नहीं है फिर भी प्लांट चल जा रहा है, ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और बस इसमें हम ज़्यादा छोटे एग्रीगेट नहीं प्रयोग कर सकते, इसमें 40 mm यूज करते हैं हम लोग, इसलिए ये चल जाता है। और यदि इसमें 10 mm इस्तेमाल करना हो तो नहीं चलेगा, बाकी तो स्प्रिंग और ये सब जो भी लगाना है वो तो बाद में भी दोबारा लगाना चाहें तो लग जाएगा। और हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सही लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले आपको।
धन्यवाद।